बताते हैं कि जिला सिंगरौली के बिहरा गांव के निवासी प्रभाकर दुबे पिता उमाकांत दुबे जी के घर में के एक कमरे में 23 मई को सुबह 9 बजे अचानक आग लग गई, जिसके बाद दमकल को सूचित कर आग पे काबू पाया गया। लेकिन पुनः 24 मई को सुबह 5 बजे उनके मकान के दूसरे कमरे में अचानक आग लग गई, जिसके बाद परिजनों ने दमकल विभाग को सूचना दी। लेकिन दमकल पहुंचने से पहले ही आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और कुछ ही देर में मकान सहित रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार 20 लाख रुपए की संपत्ति कुछ ही मिनट में जलकर राख हो गई। परिजनों की स्थिति पेड़ के नीचे गुजारने के लिए मजबूर हो गई। पटवारी एवं पुलिस द्वारा जांच की गई, लेकिन आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ सर, दुबे जी के यहाँ जो आग लगी है, इसमें आप मुआयना करने पहुँचे हैं तो क्या कुछ देखा आपने? क्या मतलब सरकार से क्या लाभ मिलना चाहिए? सबसे पहले बड़ी दुखद घटना है जी। जनप्रतिनिधि होने के नाते जी, सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा में जो बिहरा पंचायत है जी, आप उमाकांत दुबे शिक्षक हैं और प्रभाकर जी, आज बहुत बड़ी घटना है। ये घटना की जैसे ही जानकारी मिली, उस समय तो मैं जानकारी समय पर नहीं पहुंच पाया, हमने तत्काल बात की कि दमकल की गाड़ी पहुंची कि नहीं पहुंची जी। और ये व्यवस्था होने के बाद जैसे भी मुझे समय, मैं तत्काल आने की समय निकाल